अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं। बिहार के पूर्णिया में अपराधियों की पकड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, पूर्णिया जिले के धमधा में सुशासन की सरकार में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। लूटपाट और हत्या जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बताते चलें कि पुलिस के लिए अब यह सब बन रहा है चुनौती। एक बार फिर पूर्णिया जिला के धमधा में 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या की खबर आ रही है। मामला धमधा मंडल क्षेत्र के उत्तर टोला पंचायत वार्ड नंबर 8 का है। शंकर शाहनी का पुत्र मिथुन शाहनी की हत्या की घटना सामने आई है। घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर शव पाया गया। सुबह जब ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी तो घटना से गांव में सनसनी फैल गई, मानो जंगल में आग लगी हो। ग्रामीणों के द्वारा मामले की जानकारी परिजनों व पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही धमधा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में घटना कुछ भी नहीं हुआ था। 8 बजे शाम में मतलब घर से बाइक लेकर निकला, दूसरे के बाइक लेकर निकला था और उसके साथ में कोई नहीं गया था और घर में किसी को बता कर भी नहीं गया था कि मतलब फलां जगह जा रहे हैं। घर में बोला कि मम्मी लोग को बोला कि चाय बना आते हैं तुरंत। कब का घटना है, कब गया था? कल शाम में 8 बजे। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, हम लोग देखे ही नहीं किसी के साथ। किसी के साथ दुश्मनी भी था? नहीं, दुश्मनी तो नहीं था, सब तो उसका यारे दोस्त था। तो कहाँ कोई बुलाया था क्या? अब क्या बताइए, सब पता नहीं था। तो फिर घटना क्या हुआ बताइए? घटना क्या हुआ, कोई बुला के अब कुछ क्या किया नहीं किया ये सब हम लोग जानेंगे, उसके बारे में तब न हम बताएंगे। फोन भी घर जब देखे 9 से 10 बज गया, घर से फोन लगाने लगे तो मोबाइल उसका स्विच ऑफ था। अगर मोबाइल खुला रहता तो काम जरूर करता, मोबाइल उसका स्विच ऑफ। आपका नाम क्या हुआ? लड़का का कौन है? परिवार। लड़का क्या नाम था? पिता का नाम? शंकर सैनी। उम्र कितना था? 25 होता होगा। और घटना किस कौन सा जगह पे हुआ? तो हमारी बगल वाले सर को कोई फोन किया तो वही हम लोग आके बताए, प्रशासन भी खबर किया, मतलब पूरा मतलब बोला नहीं कि ये सब हुआ है, अपना स्टाफ को भेजा था पापा को बुलाने के लिए, वही पापा गए तो पापा बाद में आए, पहले इधर से हम लोग को पता चला। नाम क्या हुआ आपका और मृतक का कौन हुए? तो ये घटना कैसे हुआ? किसी से लड़ाई झगड़ा? किसी से लड़ाई। तो घर से पता किने गया कहाँ जा रहा? वही परिजनों ने बताया कि मेरे भाई को फोन पर किसी ने बुलाया था, घर से वो गए थे और सुबह उनकी शव मिली है। इस बाबत पूछे जाने पर धमधा SDPO रमेश कुमार ने बताया कि गोली मारकर हत्या की गई है, फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, अपराधी कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल अपराध और अपराध कर्मियों पर नकेल कसना बेहद आवश्यक है। पूर्णिया SP दयाशंकर निरंतर अपराध कर्मियों पर नकेल कसने के लिए थाना अध्यक्षों को सख्त हिदायत भी देते नजर आते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि पूर्णिया में इन दिनों लूटपाट, हत्या, गोली मारकर हत्या, व्यापक अपराधियों का खौफ निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस क्या कुछ करती है ये देखना दिलचस्प होगा। धमधा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। को सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।